मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुंच गया था, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा। इस आप वक्त खुद लाइन में खड़े रहे कि आपने मतदान किया सर, सेलिब्रिटी तो क्या करूं, लाइन तोड़ के निकल जाऊं आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मुद्दे की बात करने की का टाइम नहीं है, आज बात करने का टाइम है कि सर्वाना भार यो, सबको बाहर आके वोट करना बहुत जरूरी है। मुंबई ने कभी 50-60% से ऊपर वोट किया नहीं है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको वो जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए। और हमें ये नहीं मांगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या करने वाला है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम एनकैश करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। प्रोग्रेस ऑफकोर्स, देश में जो प्रोग्रेस हो रहा है और आशा करता हूं कि वैसे ही होता रहे। सुबह 9 बजे तक देखा जाए तो 6 का मतदान जो है पूरे मुंबई में हो रहा है, किस तरह से देखते हो लोग बाहर निकल? युवाओं की संख्या कम आ रही बाहर, युवा निकलेंगे, युवा लेट उठते हैं थोड़ा, तो निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। लेकिन 80-50 जो इंडिया फेस करता है और आप चाहेंगे कि सरकार उस आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया के ग्रोथ, इंडिया का ग्रोथ शुरू हुआ है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यू नो, गरीबों का गरीबों के लिए करना, एजुकेशन, मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी। ऑफकोर्स इंडिया स्टिल द चीपेस्ट, दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि कोना कोना तक ये पहुंचे। और अच्छा काम हो रहा है तो यही चाहूंगा कि अच्छा काम होता रहे। आई थिंक लोकल का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अपने एरिया के लिए क्या करते हैं। मैं हमेशा देखता हूं कि मेरे सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम्स हैं और 11 आदमी एक साथ जुड़कर कुछ काम नहीं कर सकते, देश कैसा चलता होगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस एज मेंबर्स, मैं सोसाइटी की बात करूंगा, फ्रॉम अ मेंबर्स पर्सपेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूट करना और ग्रोथ के लिए वोट करना इम्पोर्टेंट। देखो, पहले तो लोगों को समझना चाहिए कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं। यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है। जब लोग कहते हैं कि बाहर का सड़क खराब है, तो ये तो आपके म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है। ये आप जब लोकसभा के लिए इलेक्ट कर रहे हो तो ये डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन रिलेशंस, इन बातों पे आपको सोचना पड़ेगा। सो व्हाट आर यू वोटिंग फॉर एंड देयरफॉर हु आर यू वोटिंग फॉर। ये लोग मेरे ख्याल में अभी तक समझे नहीं कि आप मत किस चीज के लिए, किन मुद्दों के लिए आप कर रहे हो। क्योंकि ताज्जुब की बात है कि अगर किसी से पूछेगा वो कहेंगे कि सड़कों, जो ट्रैफिक है, लेकिन फिर आप म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में क्यों नहीं निकलते हैं वोटिंग के लिए। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो आप समझे, फिर आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या चाहते हो देश के लिए, उन मुद्दों पर That's how you have to vote. That's how I voted. आज भारत के लोकतंत्र के बहुत बड़े उत्सव का बहुत ही प्यारा दिन है। और ऐसे तो मेरा भारत ही अनोखा है, निराला है, पूरा भारत विश्व से बहुत अनोखा है, बहुत निराला है। और इस निराले को मेरा भारतवासी, हर भारतवासी बनाता है हमारे भारत को यूनिक। लेकिन उसमें भी मुंबई इस पृथ्वी से सबसे निराला जगह है। क्यों है मेरे भाई, खुद मत बोलो, अभी हमें बोल रहा है, बोलने को बोला है तो सुनो। मुंबई इस पृथ्वी से निराला इसलिए शहर है कि देखिए कितनी लाइनें लगी हुई हैं। पसीने में लोग नहा रहे हैं लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये है मेरा मुंबई और ये है मेरा भारत। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है, भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर अब जाग गए हो तो बस मरना मत, बहुत मर मर के जिए हो, ऐसा जीना अब छोड़ दो। मेरा भारत अब विकसित भारत बनने वाला है, मेरा भारत अब अखंड भारत बनने वाला है, मेरा भारत अब अनोखा भारत बनने वाला है। 1000 साल पहले का जो मेरा भारत था, कोई बीमार नहीं होता था, हर घर में खुशहाली थी, घर में आवंटन नहीं होते थे, लोगों के अंदर उत्साह होता था, चादर चाहे कितनी भी छोटी बड़ी हो फिर भी आनंद से हो।
विभोर होते थे लोग, वैसा ही वैभव, वैसी ही गरिमा, वैसी ही अस्मिता मेरे भारत की लौट रही है। ऐ मेरे भारतवासियों, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। बस अब सोना मत, बहुत दड़ मार के पड़े, बहुत आलसी हुए, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। अब मत सोना, अब जाग जाना, अब जागे रहना, बस राष्ट्र हित के लिए वोट करते रहना। ऐ मेरे भारत, ऐसे ही रहना। आप लोगों के भी पसीने आ रहे हैं कितने, लेकिन मंद मंद आप सब मुस्कुरा रहे हैं। हमने अभी वोट की अपील की थी दो दिन पहले, कम से कम 3 लाख भारत भर में, ये मुंबई भर में दौड़ा दी आप लोगों ने। क्या आप चमत्कारी हैं कि मेरे भारत को अनोखा बनाने वाले आप हैं अनोखे। बताओ आज के लिए कोई एक ऐसा गीत गुनगुनाना, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो वोट, वोट दो वोट दो, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो वोट दो वोट दो। युवा देश का संभल रहा है, दिशा देश की बदल रहा है, घर से निकलो आगे आओ, सोचो समझो बटन दबाओ, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो मेरे भारत। अगर उज्जवल भारत चाहते हो, अगर विकसित भारत चाहते हो, अगर भारत के वही वैभव चाहते हो, अध्यात्म से परिपूरित हंसता हुआ चेहरा, नूरानी चेहरा, अगर वैसा मेरा भारत चाहते हो, मेरे भारत में सड़कें चाहते हो, मेरे भारत में अस्पताल चाहते हो, बेसिक बुनियादी सुविधाएं चाहते हो, गरीबी मिटाना चाहते हो, ऐ मेरे भारत, इस पूरी दुनिया का एक विकल्प है, वोट दो। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहें? बस ये भी मेरा दाता अब कर देगा, पहले से गाना बना रखा है भाई। भारत के ऊपर आपका क्या कहना है सर? किसके भारत के ऊपर? अरे भैया, हर बात के ऊपर कहा गया है, हमने गाने पहले ही बना लिए हैं। आप समझ लीजिए, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ की मनोरथ भी संपन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब भारत में यज्ञ हो रहे हैं, अब काम नहीं होते भारत में, अब अनुष्ठान होते हैं, अब संस्कार होते हैं, अब वो हो रहा है, अब मेरा भारत जाग रहा है। ओ ऐ मेरे भारतवासियों, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। पहले तो चंद सिक्कों में हम बिक जाते थे, अब हमें पता है कि हम नहीं बिकेंगे, अब हम अपनी अस्मिता को, अपने गौरव को, अपने वैभव को बचा के रखेंगे, अपने सम्मान को, अपने आत्म सम्मान को पूरे विश्व में कीर्तिमान बनाकर, प्रतिमान बनाकर स्थापित करेंगे। हरिओम। डेमोक्रेसी में आपको अपना फ्यूचर, अपने देश का फ्यूचर चूज करने का सबसे बड़ा मौका आपकी मत का होता है, तो आपको अपना मतदान करना चाहिए। और जो भी आप बदलाव लाना चाहते हैं या आप जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी मुद्दे के लिए वोट करना चाहते हैं, आप आके अपना वोट दीजिए और इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में सेलिब्रेट पार्टिसिपेट करिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। साथ ही आपके मतदान से आप कौन कौन से मुद्दों पे जो है रोशनी डालना चाहते हैं, थोड़ा सा नज़र रखिए जिससे उन पर बदलाव आ सके। फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कंट्री डेवलपमेंट। नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब की, हमारे देश के लिए। तो मैं ऑफकोर्स मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, मैं वहाँ छोड़ के रात को बैठ करके आया सुबह सुबह वोट डालने के लिए। तो अभी जल्दी फ्लाइट है, जानवी भी वहाँ वेट कर रही है, हम दोनों को जाना है, प्रमोट करना है बनारस में, वाराणसी में, काशी में प्रमोट करना है, उसके बाद शूट भी रिज्यूम करना है। And also how important as a public figure it becomes for you to cast your vote? It's very, very important. You know, if through us, if people can get influence, then of course that's the biggest thing that we can do, to make people aware about the importance of voting. So I'm very happy, I'm very thrilled that, you know, Election Commission chose me to be the national icon. And I could understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility towards our nation. So I appeal to all of you to please come out and cast your vote. Also, you were an election icon, and after that, ये जो जिस तरीके से अभी आपने वोट किया है, so what do you think upon it? What are the issues that you are focusing on that your vote will bring a change? That's very personal. You know, I don't. Of course, we all want our nation to grow, to shine. It's already shining. I'm sure it's going to shine even more in coming years. Yeah. दिन है, क्या अपील करेंगे लोगों से? अधिक से अधिक वोट होना चाहिए इसलिए। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है, अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं, और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं।
विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं आप विकास में मैंने आप तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense. जो लोग वोटिंग नहीं करते उनसे क्या? उनसे अब उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस तो मैं तो यही ना। चलिए प्लीज।